नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। विस्तार और प्रभाव के अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहे आरएसएस नारी शक्ति को शस्त्र और शास्त्र से जोड़ेगा। संघ के संस्कार से लेकर समरसता तक अभियान प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी वो अपने महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति और भारतीय स्त्री शक्ति को देने जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। आरएसएस ने नारी शक्ति को शस्त्र व शास्त्र से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संघ की महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति और भारतीय स्त्री शक्ति को जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके संकेत नागपुर में विजयदशमी पर सरसंघचालक मोहन भागवत के भाषण से ही मिलने लगे थे। अब प्रयागराज के गोहिनिया में आयोजित संघ की राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक में फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया कि महिलाओं को संघ में जिम्मेदारी देने का ये सही मौका है। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इस समय वैसे भी संघ विस्तार और प्रभाव के अपने स्वर्णिम दौर में है। ऐसे में अब देश की नारी शक्ति को शस्त्र और शास्त्र से जोड़कर उन्हें भी देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। बता दें कि विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला सहभागिता पर काफी बल दिया था। इस कार्यक्रम में माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस परिपेक्ष में सोमवार को प्रयागराज के गोहनिया में आयोजित 4 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में चर्चा हुई। बैठक में ज्यादातर पदाधिकारियों ने सेविका समिति और भारतीय स्त्री शक्ति के अभ्यास वर्ग बढ़ाने पर सहमति दी। कहा कि ये सही अवसर है कि महिलाओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत बनाया जाए। कार्यकारी मंडल की बैठक से मिली जानकारी के मुताबिक आरएसएस की महिला समितियां अब महिलाओं की घोषणाएं कराएंगी। शिविरों में उन्हें शास्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संघ ने इस पहल को संस्कृति और संस्कार से नारी शक्ति को जोड़ने का प्रयास मान रहा है। दरअसल संघ की महिला समिति राष्ट्र सेविका समिति का उत्तर भारत में खास प्रभाव है, वहीं भारतीय स्त्री शक्ति दक्षिण भारत में अपना प्रभाव रखती है। ऐसे में संघ ने तय किया है कि इन दोनों समितियों के जरिए देश भर में शिविरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बस्तियों में किए जाने वाले कामों का दायरा भी बढ़ेगा। इसके लिए महिलाओं की संगोष्ठी, चर्चा, परिसंवाद एवं प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। राष्ट्र सेविका समिति का उत्तर भारत और भारतीय स्त्री शक्ति का दक्षिण भारत में खास प्रभाव है। तय किया गया है कि दोनों ही संगठनों के माध्यम से सेवा बस्ती में किए जाने वाले कामों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं के बीच संगोष्ठी, चर्चा, परिसंवाद एवं प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेवा बस्तियों में ट्रेनिंग वर्क के आयोजन और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। परिवार परामर्श केंद्र, स्वयं सहायता गुट, वाचक मंच, महिला सुरक्षा पर कार्यक्रम, विवाह पूर्व मार्गदर्शन, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण आदि के आयोजन भी दोनों संगठन द्वारा बढ़ाए जाएंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।